गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज अ रिएक्शन वीडियो। मेरे ना एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया कि रिएक्शन वीडियो बनाओ या ब्लॉगिंग करो। सो ब्लॉगिंग तो मेरे बस की है नहीं, एंड उन्होंने बोला रिएक्शन चैनल अलग से बनाओ। बट चैनल को ग्रो करने में आई नो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा स्टार्ट करके देखते हैं, एंड फिर अगर ये वर्क करा तो मैं अलग से चैनल बनाऊंगी। बट फॉर नाउ मैं इसी चैनल पे अपना ये वीडियोस डालने वाली हूँ, बिकॉज जस्ट कंसिस्टेंसी अपनी बनाने के लिए मैंने सोचा इस पे ही रिएक्शन वीडियोस डाले जाए। और परमानेंट तो नहीं होगा, बट यस टेम्पररी के लिए अभी यही रिएक्शन वीडियोस आएंगे, बिकॉज मुझे टॉपिक सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस चक्कर में अपने इस चैनल पे भी मैं वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, सो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, इन्होंने तो मेरी आलस की बात छीन ली। एनीवेज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, एल्विश का न्यू व्लॉग आया था, मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करते हैं। मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा है, अभी 1:12 मैं उसका व्लॉग देख लेती हूँ, बट मैंने सोचा आज वीडियो बनाते हैं, इस पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या होता है। सो मैंने बोला ठीक है ठीक है। सो अभी ये ना चलते हैं, वीडियो देखते हैं। चिपकाई और वो टूट गया। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या ही एनर्जी है व्लॉग की स्टार्टिंग में यार। भाई आज मुझे लाइफ का ना दूसरा पर्सपेक्टिव भी पता लगा यार। लेता हूं भाई, मतलब कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं, मतलब तुम लोग जो जिंदगी जी रहे हो वो तो है ही। हम मतलब जिंदगी जी रहे हैं, मतलब अपने आउटर को वो सिस्टम करने के लिए इंप्रूव करने। भाई मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, मतलब तुम भी रिलेट करोगे उस वाली बात से। हम जिस दुनिया में जीते हैं, हम जिस एरिया में जीते हैं, मतलब ह्यूमंस, भाई बहुत लोग ना मेंटली बहुत तंग है यार। हाँ भाई, अब सपोज एक बात मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तंग हूँ, ठीक है, मैं मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि शर्म आ रही है, या फिर ऐसे डर लगता है यार अगला आदमी क्या सोचेगा, अगला आदमी भी कुछ गलत ना सोचे। हाँ, मतलब अगला आदमी ये क्या सोचा, अरे क्या पागल है क्या, देखा इतना कैसे, इतना कौन सोचता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम ना फिगर आउट नहीं कर पा रहे। जैसे ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, मतलब ज़्यादा सोचते हैं, अपने दिमाग में सिनेरियो बना के उसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग देख रहे हो, आप में से भी मेजॉरिटी ऑफ जनता के ना दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत। ओवरथिंकिंग तो सब करते हैं, ओवरथिंकिंग सब करते हैं, बट उससे परेशान होते हैं ना, मतलब दिक्कतें जब बढ़ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे सपोज मैं गाँव से हूँ, आजकल शहरों में तो एक कंसेप्ट आ गया भाई, मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट आ गया, बट गाँव में नहीं आया। गांव का बंदा भी तो परेशान रह सकता है। ये थोड़ी सिर्फ ये चीज है शहरी बच्चे ही वो कर रहे हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, डिप्रेशन आ रहा है, ये सारी चीजें। नहीं, बच्चा नहीं किसी भी हो सकता, बड़ा बूढ़ा। हाँ वही, पर एक जैसे वो बना रखा, स्टीरियोटाइप बना रखा, गांव का आदमी थोड़ी तंग रहता, हम तो गांव के हैं, हमारा मेंटल इशू थोड़ी हो सकता। मैं सब लोग इससे इस चीज से जोड़ते, पागलपन से जोड़ते, अरे तेरे तो दिमाग खराब होगा, तेरे तो पागल हो गया ऐसे। इस चीज की वजह से ना अंदर ही अंदर इंसान घुटता है, मतलब खुल के बोल नहीं पाता किसी को कि भैया क्या करें। तो आज मैंने इसके बारे में, मैं कई भाई यार के साथ बैठा था, उन्होंने मेरे को मेंटल हेल्थ के बारे में कई चीजें मेरे से भी पूछी, और हमारा दिमाग खोला हमारा एक नया पर्सपेक्टिव जगाया। मेरे को पूछे, कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के आपसे बढ़िया कौन बता सकता। मैंने कि यार मेरे मन में भी एक वो थी, चल मान लो, चल मैं तुम्हें एक ऑनेस्टली बताता हूँ, हाँ मैं तंग हूँ भाई, दिमाग में आती हैं 100 चीजें, रोज सोचता हूँ, रात को जब सोता हूँ तो बहुत सारी चीजें दिमाग में ऊपर नीचे घूमती है, और मैं पूछता हूँ लाइफ से व्हाई All this happening with me only. देखो, honestly, मैंने अपनी जनता के सामने अपना दिमाग का वो रख दिया कि भैया मैं हूँ, चलो तंग हूँ जो कि, and it's okay. But मैं खुद कतराता हूँ किसी को बताने में कि यार मैं क्यों बताऊँ कि मैं तंग हूँ, मैं क्यों कमजोर दिखूँ, मैं सामने वाले क्यों सोचे मेरे बारे में कि ये तो वीक आदमी है। मेरा ऐसा माइंड सेट है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बट इसका सोल्यूशन भाई, जैसे इसका सोल्यूशन है यार। और वीक नहीं भाई, मतलब अब जैसे बुखार होता है हर किसी को हो सकता है भाई, इसमें वीक कहना इज नॉट राइट, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली बात है। हाँ। कि अपना माइंडसेट थोड़ा खोल के कि हाँ यार हो सकती हैं दिक्कतें यार, ठीक भी हो सकती हैं यार, कोई वीक नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, तुमने क्या उखाड़ लिया, किसी को ना बता के तंग हो कि तुम क्या उखाड़ रहे हो। तो ये वाली चीज आज हमने जानी चार लोगों में बैठ के, भाई यार में थे तो वो भी गाँव के, बट ये सारी चीज सुन के मुझे भी ऐसा लगा यार, हाँ यार छोटा तो नहीं हो जाएगा कोई इंसान अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा किसी अपने यार दोस्त से, या फिर कोई अपने ना जानने वाले से, या फिर जो ये होते हैं, अब जैसे एक चीज होती है एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, पहले मेरे को लगता क्या ही है, क्यों क्या ही बकचोदी दिया, मैं सोचता था भाई बहुत लोग सोचते होंगे, बट दीज थिंग्स एग्जिस्ट भाई, भाई। मतलब जो होती हैं, जो सफर कर रहा है उससे ज्यादा पता।
यही बात है, जो सफर कर रहा है उसे पता है। अब जो भी ये ब्लॉग देख रहा होगा, तुम्हारी लाइफ में बड़ी दिक्कत होगी, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे स्पॉन्सर नहीं कर रहा कभी, तुम्हें लग रहा होगा अभी वो आ जाए जी ये वाली ऐप डाउनलोड कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस दिल की फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग भी तंग होंगे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे अपनी नॉर्मल लाइफ हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, इंटरव्यू, जो भी है, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली दिक्कत हो सकती है यार, और उन दिक्कतों का इलाज भी होता है भाई, तो क्या करें, कुछ करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, अपने को भी अपनी ठीक करनी चाहिए पहले तो, फिर दूसरे के लिए इनिशिएटिव लेंगे, करेंगे यार कुछ, भाई पे भरोसा रखो, कुछ करेंगे। प्यार दिया भाई को, भाई ने बहुत मतलब करते हुए हैं फाउंडेशन के रूप में और भी करते रहेंगे। अच्छा एक चीज में मजाक सेट के ना तेरे से पूछा जाता हूँ, मजाक छोड़ दे, हम जो भी मजाक उड़ाते हैं भाई आपस में, एक मिनट की सीरियस टॉक बच रही है बस। है तू तंग है मतलब इंटरनली मेंटली? हाँ भाई कई चीजों को लेके बिल्कुल। चल आज खुल के बता दे क्या चीज में तुझे लगता है कि तू तंग है भाई। कुछ भी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, अब मेरे साथ कॉलेज में कैसे हुआ था बताता हूँ आपको, मैंने आज तक बताया नहीं व्लॉग में भी है, ठीक है। कॉलेज में मैं पेपर दे रहा था, तो मैंने ना अपनी टांग में लिख के गया था थोड़ा बहुत कुछ, तीन चार फॉर्मूले। मैंने कह दी मजाक नहीं करना। मजाक नहीं है भाई, सही में मतलब हो गया वो तो हंस गया थोड़ा। तो क्या सीन हुआ भाई, मैंने करा था पेपर 32 नंबर का, ठीक है। तो पेपर हो गया भाई, मैं कर रहा 32 नंबर पे ना पीछे एकदम वो आ गया रेजुलेटर, मैंने भाई क्या लिख रखा तूने टांग पे, और मेरी भाई फट गया चार। मैं खड़ा हुआ, कह रहा पर्ची चेक करा, कहता पर्ची तो नहीं, मैंने सर छोड़ दिया टांग बदल लिख रखा है, कह रहा तेरा तो केस बनाऊंगा, और भाई सुना केस बना दिया। तो तब तक रिजल्ट नहीं आया ना, हालांकि मैं रिजल्ट में पास हो गया, मतलब ऊपर वाली कृपा थी, पर जो एक डेढ़ महीना था ना परेशान रहा ना, मैं बता नहीं सकता भाई आपको कि मतलब। और मेन दिक्कत ये थी लास्ट सेमेस्टर था, वो बैक लग जाती फिर एक साल वेस्ट हो जाता। और रिलेशनशिप वो तो हमारी है ही नहीं कुछ सिस्टम होता है पर कई लोगों को, कोई दिक्कत नहीं भाई आगे। आज यार हमारे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ, मतलब वो मैं घर जाके बताऊंगा, जीजा जी बताएंगे, चोरी हो गया सामान काफी यार। और मतलब मुझे लगता है डेढ़ महीने में अगर मेरे साथ कुछ मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पता होता पहले, बीच में ना एल्विश ने स्टोरी भी डाली थी आई थिंक कोमल दी एंड उनके हस्बैंड का पासपोर्ट वगैरह गुम हो गया था, वो मिला कि नहीं मुझे पता नहीं अभी तक, और भी चोरी हो गई है बिकॉज टाइटल में ना लिखा है कि चोरी हो गई है, आई थिंक कोमल दी के घर से कुछ चोरी हुआ है, थोड़ा अलग सोल्यूशन दिया था मैंने इसको ना, फनी कह रहा पेट में चक्कू मार देते, मजाक कर रहा हूँ यार, ये सब चीजें तो करना भी मत कभी। वही नहीं यार, परेशान रहते हैं सभी, इलाज भी होता है, बस लोग ना शायद बताने कतरा। आपने वैसे ही कहा था कि ये तो मेरे से तो ओपन रहा करो यार, कोई मेरे को मिले कभी कोई दिक्कत हो तो यू आर गाइस आर फ्री टू टॉक टू मी अबाउट योर मेंटल इश्यूज, या फिर मेंटल हेल्थ का भी कुछ दिक्कत लगे तो यू कैन टॉक टू मी भाई, अगर कहीं मिलूँ तो बताओ खुल के, हम पे सोल्यूशन होगा तो करेंगे, नहीं तो कहीं प्रेफर कर देंगे तुमको भाई। ये तो चलो मजाक था कि आपने सोल्यूशन देता कि भाई तूने 32 नंबर का कर दिया तो पास हो ही जाएगा, टेंशन के लिए और नहीं होगा तो मतलब ये चल ठीक है, नहीं होगा तो तेरी जैक जुगाड़ लगा नहीं जैक जुगाड़ नहीं बुरा हो गया ठीक है, एक साल हो गया कोई क्या कर सकता है, मतलब वो यार पॉजिटिव के बारे में सोचो, नेगेटिविटी पे ध्यान ना यार, नेगेटिविटी वैसे ही बहुत है जिंदगी में, अब तो कम कम खत्म करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं सिर्फ। ओके जी हैं पॉजिटिविटी घर जा रहे भाई, 0-0 हो गए देखो, एक सेकंड अरे रुक जा टूटू ए 0-0 हो रखे यार, फिर भी देख लो भैया ट्रैफिक ना खुल रहा है, क्या क्या सिस्टम है, अरे क्या है टूटू दिमाग खराब कर दिया भाई, हरी क्यों नहीं हो रही है, 60 FPS में भी ऐसा हो रहा भाई, हम तो आ रखे बहुत ही मस्त जगह पे, तेल भी ना गाड़ी में तेल भी भरवाना है। ओ एक अर्चित क्या करने जा रहे हैं बता दे सबको, वैसे मैं घूमने वूमने निकले थे हम तो, बतख देखने जा रहे हैं बताना, दिल्ली में बतख देखने जा रहे हैं। यस इतनी बतखें आती हैं इंडिया गेट के पास, किसी ने सोची ना होगी, और उन बतख को आज पकड़ के आज अर्चित का डिनर भाई, अपने फेवरेट स्थान पे रुके हैं हम भैया, ये दे दो, दे यो नीचे दे यो, रसबरी क्या है, रसीली रसबेरी, फिर से आइसक्रीम की दुकान वाले की फेवरेट चीज, रसीली रसबेरी कितने की है भैया, ये फ्री की है, फ्री की, अरे बता दो यार बहुत पैसे, हाउ मच मैन, 70 रुपए वी आर कैरिंग यू नो, 20-20 के तीन नोट और एक 10 का नोट बेटे, जल्दी बताओ भाई, सुनो सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन सी हम पे, ये चोको स्पार्कल कितने की है, इतना तो हम पे ही नहीं, वही दे दो रसबेरी असली, दे दो भाई पैसे वेट नहीं कर पा रहे, हाँ ये भैया फिर खर्च हो जाएंगे, क्लबों में जाना पड़ जाएगा इन्हें लेके हमें 70 रुपए, इससे बढ़िया ही खर्चवा दो,
जमीन लेने की सोच रहा। चलो कोई नहीं, आप आइसक्रीम खा लो। अरे कोई ना यार, बाद में आ जाएंगे पैसा। तो पैसा क्या, हाथ का महल ही तो है भैया। यार तुम पे स्टॉक नहीं है ना? ना क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? नाम क्या? अभिमन्यु नाम है। वाओ तगड़ा, बड़ा नाम है तुम्हारा तो यार। हमारा पता है क्या है? गाइस रियलिटी चेक सीजन 2। भैया हमें जानते हो? अरे अपने आप को मत देखो, मुझे जानते हो? मुझे नहीं, आपको नहीं। सलमान खान को जानते हो? सलमान खान को जानते हो? सलमान खान तो बॉलीवुड। हाँ हाँ भाई, वो एक शो करता है, उसके जैसा दिखता है एक लड़का, उसको जानते हो भैया? एल्विस यादव। भैया उसको जानते हो? लक्ष्य सूट अर्चित एक्टर। मुझे नहीं पता था, पहले भी मैंने ब्लॉग नहीं देखा। उनको नहीं जानते? लवकेश कटारे को तो जानते हो? उसका फादर भी जानता, फादर भी जानता, इंद्रजीत कटारिया। इज अ वेरी फेमस गाय। ठीक है जी, राम राम। हम तो भैया समाज से भी आदमी है, खुश होगा। सरप्राइज कर दिया हमने भैया को। मैं खुश हो गई सेम रिएक्शन देख के। मैंने पहले ब्लॉग नहीं देखा है, अभी देखा जस्ट। 10 रुपए की आइसक्रीम कितने का खरीदेंगे? ना करो तेरे 7.5 रुपए की। अब मम्मी को हिसाब देना पड़ेगा। 70 रुपए मम्मी मारेगी। मैंने पापा से ना बात करा, मैंने कि पापा मैं ऐसे ऐसे ना कोई आइसक्रीम वाला ना, पहले की बात है, मैंने कि ऐसे ना मैंने उसको उस पर बोली आइसक्रीम थी तो मैंने उसको पैसे दे दिए। पापा कहते कौन है आइसक्रीम वाला, कहाँ खड़ा होता? मैं कह रहा यार उस पर खोज के लाओगे क्या? कह रहा ना ना फिर भी पता तो रहे, उस पर खाता चलवा लूंगा। उस पर खाता चलवा लेगा अपना, पर चल कोई नहीं, इट्स ओके यार। अब एक बार भाई को ड्रॉप कर देता हूँ मैं, फिर घर जाना। भाई मैं अपने घर आया, मेरे घर में एक अजीब सा माहौल रहता, पता नहीं सबके घर में रहता नहीं रहता। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लगे कि वो हो गया, नींद आने लग जा रहा है, और रोटी खाने का भी जी ना कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। आंटी दिख गई, मे बी रात हो रही है ना इसलिए। भाई मैं तो सभी लोगों से, जो मेरा भाई बाहर घूमता हो रात को, अपने भैया घर आके सो जाया करो टाइम पे। तुम्हारे घर वाले होते हैं, बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं घर पे, उनके पास टाइम स्पेंड करो, मौज काटो, ठीक है? चल भाई मोटे फॉर्चून की चाबी दे, मैं जा रहा हूँ। दिस इज अप्रैल फूल गाइस, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एंड बोल भी देखो कौन रहा है घर वाले, एक अप्रैल है ज्यादा बात। घर वालों का क्या है भैया बताओ, कहाँ जाएंगे? वहीं रहेंगे ना? या फिर नुए कि भैया घर से चले गए, तुम एंजॉयमेंट में जाकर वापस आए तो घर वाले नहीं मिल रहे, घर वाले भग गए? ऐसा नहीं होता, घर वाले वहीं रहेंगे। तुम्हें निकाल सकते, तुम उन्हें निकाल सकते। क्यों भाई मोटे पिल्ले? और एक स्टोरी डाली थी मैंने भैया, मैं जनता से इतना नाराज हूँ, मैंने स्टोरी डाली, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। नंबर डाला मैंने, किसी को कुछ मिले जो चोरी हुआ सामान, उनने सब ने फ़ोन करके तंग करा कि एल्विस से बात करा, तो मैं मेरा नंबर थोड़ी है जो मेरे से बात करोगे भाई। कोई आदमी दुखी तुम उसे और परेशान कर रहे हो, इट्स वेरी बैड यार, खासकर मेरे जीजा जी को मत करो भाई। क्या हुआ इंसिडेंट तुम्हारा बताना, जो तुमने FIR कटवाई है? इनकी मजबूरी सुनना गाइस, इनकी दुख भरी कहानी सुनो। गाड़ी खड़ी थी रानी बाग में, घर के आगे बिल्कुल, और वो जो भी चोर था वो आया, बैग गाड़ी में छोड़ दिया, वो हमारी गलती थी। और वो जिसमें लैपटॉप पास अपनी गाड़ी में छोड़ा बैग, क्या गलती भाई, अपनी गाड़ी में बैग भी ना रख सके हम? सही बात है, फ्रूट्स भी थे, मिठाई भी थी, छोड़ गया फ्रूट्स रखे थे इतने सारे, सब छोड़ गया, बैग जिसमें लैपटॉप पासपोर्ट चार्जर मोबाइल फोन सारे डॉक्यूमेंट। अब अगर मान लो जिसने भी उठाया, जो भी लेके गया है, अगर वो भी सुन रहा है, सब सामान रख ले, पासपोर्ट सुन रहा है वो, पासपोर्ट तो दे दो कम से कम, पता है कितनी परेशानी झेल रहे हैं हम। इनकी फ्लाइट थी वापस, इन्हें जाना था बताओ। आंटी ने बोल दिया ना, अब इनका काम धंधा कौन करके रिप्लेस हो जाएंगे, उधर जॉब है इनकी यार, समझो ना, नुकसान कर दिए। पासपोर्ट वीजा सारे डॉक्यूमेंट बन गया, तो छोटी सी वारन नया, उसका भी पासपोर्ट था उसमें, उसका तो जरिए नया नया बना था, वो भी उसका छोटा पासपोर्ट था भाई, वो भी चला गया। मेरे चुक्कू का पासपोर्ट भी ले गए तुम, गलत बात है यार। देखो प्लीज यार, किसी ने लिया है तो दे दो यार, ऑल दो FIR भी कराइए, वीडियो भी निकल वाली इनने, तो चोरी करते हो कैसे दिख रहा है उसमें चोरी करते हुए, तो डिंडोरा पीट दे, ये मतलब सबूत है पूरे। हाँ। ये मतलब उसने कैसे तोड़ा है शीशा, तू देख ले, तेरे पर भेज दी मैंने। अरे अपने मुंह से बता दे उसने शीशा तोड़ा कैसे। अरे वो कुछ केमिकल से डालते हैं, चिपकाते हैं कुछ, वो टूट जाता है। हाँ नई टेक्नोलॉजी ऐसा भी होता है, इस पर तो स्टार्टअप करना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी हम पे तो नहीं है। उसने केमिकल डाला
कुछ ऐसी टैबलेट से आती है जो चिपकाई और वो टूट गया। बताओ बेटा तेरा वाला फॉर्मूला लीक हो गया जो तू पहले चोरी करता था रे गली मोहल्ले में। मतलब यार आपने अपना फॉर्मूला कॉपीराइट भी नहीं लगाया। मम्मी का फॉर्मूला है वो गाइस, जो चोर मेरे भाई देख रहे हैं, मम्मी आपके गुरुजी प्रणाम करो। नमस्ते बेटा। नमस्ते आपने ना कर ली है। उन्हें भी तो करी होगी ना, साइड से जवाब ना देगी। शी इज वेरी स्मार्ट। जवाब तो दे दिया उन्होंने। गुरु दक्षिणा देके जाओ भाई, हमारे पासपोर्ट। हमारे पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट में टाइम लगता है। हमें ना मेन दिक्कत है टाइम की यार। एयरपोर्ट रख लो, फोन रख लो, लैपटॉप रख लो, इट्स ओके। वैसे वो भी दे दो, हमने गिफ्ट कर दिया। नहीं वैसे वो देने चाहिए तुम्हें, बट पासपोर्ट दे दोगे तो उसमें टाइम लगता है बनने में यार। हजार जगह चक्कर काटो। डॉक्यूमेंट भी तो वही रखे हैं सारे हमारे। चोरी हुआ उसका भी दुख मना भाई। चुक्कू का चोरी हो गया, चुक्कू 5 साल बाद चुक्कू देख जो गया क्या है तेरे। देख ले तेरे पीछे कैसे तेरी नानी लड़ रही है। हम तो सदा तेरे एंटी थे, मामा और मम्मी, हम तो तेरे एंटी है। हमें ना पसंद तू भाई, नानी की लाडली। हमें ना पसंद तू भाई, देख रही होगी बड़ी होके। चल दिखाना है। सॉरी है बेचारी, ये लेके डोले। ये क्या है ये? कल जो तू अंदर कर रहा था 1 2 3 उसे बोला है, उसने कुछ बोला तो मैं बोली कुछ बोली है, उसने माँ की गाली दी थी। अच्छा हमने रिपीट करके देखा, उसने बोला 1 2 3 जो तू बोला तेरे पीछे पीछे बोल लिया वो। अच्छा उसने मेरे पीछे 1 2 3 बोला। अपने आप खुद उसने यहाँ चुक्कू थी, वहाँ सोनी थी, तो सोनी थोड़ी जनू थी उसके ऊपर। तो बोली तेरा पापा ना गंदा है, चिड़ान की मारी इंगे। मैं भी कह रही हूँ तेरी मम्मी गंदी है, तेरे दादा सबके बारे में हम लोग यहाँ से मजाक कर रहे थे। उठी सोनी के एक दिया, भगवान कसम भाई तो उसका वेट कितना? 10 किलो। 10 kg कैटेगरी। उसको कह दे ना तेरी मम्मी गंदी, तेरा पापा गंदा, तेरा मामा गंदा, उसे गुस्सा आवे और लड़ाई मार दे उल्टी। हाँ यार मुझे तो खुशी हुआ जब मेरे घर वालों के बारे में ऐसा बोले। ठीक है भाई, चोरी होगी यार, किसी को सामान मिले प्लीज दे देना है भैया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अरे दे जा बेटा, दे जा पासपोर्ट, दे जा प्लीज। प्रशांत यादव, कोमल यादव, वरण यादव, जो जो हमारे पासपोर्ट वापस लाके देगा उसको मैं पर्सनली इससे मिलवाऊंगी। अरे मेरे से तो वैसे मिल लेना भैया, पैसा दे देंगे तुम्हें अलग से, और बताओ। ठीक है पैसे तो किराया दे देंगे, पूल पार्टी। ठीक है जी, बाय बाय भाई। है So yes guys, that's all for today's video. I hope you like it. If you like it, do like, share, comment and subscribe to my channel. Milte hain next video mein. Bye.